सुबह एक आप हमको क्वेश्चन कर रहे थे देवेन जी सीमेन के लिए, कि कोई आपके पास में एक फोन किया था स्पम सीमेन एनालिसिस के लिए, क्या फोन आया था उसमें? मुझे उस पेशेंट ने ये बोला कि मेरा सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट था, पहला रिपोर्ट वो 25 मिलियन पर एमएल था, 25 मिलियन पर पर एमएल एमएल यस। सेकेंड टाइम जब एक भी बात रिपीट कराया गया उसी लैब तो से, उसी लैब से उन्हें ये कहा गया कि आपको रिपीट कराना होगा, तो वो 15 मिलियन पर एमएल आया। फिफ्टीन मिलियन उस पेशेंट ने मुझे ये बोला कि मैंने डॉक्टर आपका वीडियो देखा, तो उस वीडियो में डॉक्टर बनर्जी ये बता रहे हैं कि अगर आपका स्पर्म काउंट है, थोड़ा सा भी है, तो उसमें इक्सी द्वारा आप आईवीएफ कर सकते हो अपने स्पर्म से, अपने स्पर्म से, खुद के स्पर्म से। मतलब आप बायोलॉजिकल पेरेंट बन सकते हो। यस, बट उस पेशेंट को डोनर लेने के लिए बोल दिया गया। तो वो पेशेंट मुझसे पूछ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, 15 मिलियन पर एमएल में, और मेरा 2 बार टेस्ट क्यों करवाया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्वेश्चन है कि एक बार 25 मिलियन आया, फिर 15 मिलियन आया, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि सीमेन एनालिसिस यदि आप रोज कराओगे तो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि सीमेन के जो स्पर्म काउंट है पर एमएल, वो ऐसा नहीं है कि हर दिन उसमें 50,000 का ही प्रोडक्शन होता है, तो वो किसी दिन 25 मिलियन का वो जो प्रोडक्शन है, ये भी मैं आपको एक साइंस बता रहा हूँ कि ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पर्म की, ये स्पर्म डायरेक्ट निकल के सीधा नहीं आता, इसमें एक बहुत पतली नलिका रहती है जो यहां पर रहती है, फिर यहां से इसको फिर ट्रांसफर करके फिर वास्ट डिफरेंस से फिर ये पेनिस के थ्रू सीमेन में निकलता है। यहां जो प्रोडक्शन हुआ और यहां तक निकलने में जो टोटल ड्यूरेशन है वो 90 डेज का रहता है। इसका मतलब जो यहां पर अभी सीमेन में स्पर्म निकल रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग यहां 90 डेज पहले, 3 महीने पहले हुआ था। ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को कुदरत ने क्यों इतना लंबा भेजने का रास्ता बनाया? बिकॉज जो प्रोडक्शन यहाँ होता है उसको फिनिशिंग देने का काम इसमें जाते समय होता है, उसमें मोटिलिटी आती है, उसका शेप चेंज होता है, उसमें फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है। अब इसमें जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन यदि 90 डेज पहले हुआ है तो जो 90 डेज के बाद में जो नेक्स्ट 91 डेज का होगा, 92 डेज के बाद, 91st डे, 92nd डे, तो ये जो है ये निकलते हैं बाहर। एवरी डे का जो प्रोडक्शन है वो जरूरी नहीं कि सेम हो रोज, ये किसी दिन 50 मिलियन भी हो सकता है, किसी दिन 35 मिलियन भी हो सकता है, किसी दिन 38 मिलियन भी हो सकता है। ये जो फिगर है ये फिगर कांस्टेंट नहीं रहते स्पर्म में के नंबर में सीमेन एनालिसिस में। दूसरी बात, जब भी सीमेन एनालिसिस किया जाता है एक स्लाइड में या फिर मैकलर चेंबर में या फिर डिफरेंट चेंबर्स में, तो मैकलर चेंबर का तो मैं मान सकता हूं कुछ हद तक वो काफी ऑब्जेक्टिव होता है, अदरवाइज जो सीमेन एनालिसिस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब यदि मैं देखूं तो कुछ मिलियन बताऊं, कोई मेरा दूसरा साथी उसी स्लाइड को फिर से देखे तो कुछ और बता सकता है। तो इवन इंटर पर्सनल दो व्यक्ति यदि एक ही सीमेन सैंपल को एक ही दिन में दो जगह देखें तो वो हो सकता है डिफरेंट रिपोर्ट दें, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इसका इसकी संख्या बहुत ही कम हो, लेस देन 5 मिलियन हो जाए, लेस देन 2 मिलियन हो जाए, इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े घटते हैं पर एब्सेंट नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी व्यक्ति का सीमेन में यदि स्पर्म 1 मिलियन में निकल रहा है, 0.5 मिलियन भी यदि निकल रहा है, 0.25 भी यदि निकल रहा है, यदि निकल रहा है तो ये बंदा, ये जो पुरुष है, ये अपने स्पर्म से अपने बच्चे का फादर बनने के लिए प्रयास कर सकता है, उसको डोनर लेने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। इवन इस प्रोडक्शन यूनिट के बाद यदि जो सप्लाई लाइन है उसमें यदि कहीं ब्लॉक है तो भी यहाँ स्पर्म नहीं आएगा, या फिर यहाँ इसका मैनेजमेंट गड़बड़ है तो भी स्पर्म नहीं आएगा। यदि इस प्रोडक्शन में इतना प्रोडक्शन नहीं है कि ये इधर से चला के निकला है कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, तब भी हम जिसमें एजोस्पर्मिया है, मतलब एक भी स्पर्म नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि उसका यहां से उसके डायरेक्ट गोडाउन से उठा के हम
टीसा करें, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन करें, उसको TSE भी बोलते हैं। तो जहाँ तक हो सके मेरे क्लिनिक में मैं कोशिश करता हूँ कि स्पर्म हस्बैंड का जितना यूज़ होगा उतना उसके बच्चे का, उसका बायोलॉजिकल पेरेंट बनने की संभावना बढ़ेगी। ये हमारे यहाँ पर काम करने का एक सिस्टम है। और स्पर्म यदि 15 मिलियन 25 मिलियन है तो मेरे हिसाब से वो खुद अपने बच्चे का पेरेंट बनने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये उसका जवाब हो सकता है। यस सर, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।